તો સીધા જઈશું રાજ્યસભામાં જે અમિત શાહ પહેલી વખત ભાષણ આપી રહ્યા છે સીધા સાંભળીએ સરકાર કા ગડ્ડા થા વો ગડ્ડા ભરને મે હી સરકાર કા બહોત સારા સમય ગયા હે ઓર ગડ્ડા ભરને કે બાદ ઇન ઉપલબ્ધિયો કો એક અલગ નજરિયે સે સર્વાધિ મહોદય દેખને અબ સુનિયે થોડા સુનિયે ના હમ આપકો ભી સુનેંગે સભાપતિ મહોદય નો રનિંગ કમેન્ટરી વાઇલ સિટિંગ ઓર એનીબડી ધીસ સાઈડ ઓર ધેટ સાઈડ ફર્સ્ટ ટાઈમ Member is speaking. Maiden speech. Please, I have to name you, please. If anybody speaks while sitting and make comment, that's a very serious matter. Not only about this, about any other issue. Sabhapati Mohoday, 2013 में देश की जो स्थिति थी उसको हमें याद करना पड़ेगा 2013 में देश की स्थिति क्या थी देश एक ऐसे प्रश्न के अवतार के नीचे जी रहा था कि इस देश किस दिशा में जा रहा है देश का भविष्य क्या होगा ये महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोक तो नहीं देगा इस प्रकार का एक भय का अवतार पूरे देश के जनमानस पर छाया हुआ था महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था सीमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिर्णायकता के कारण अपने शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते युवा आक्रोशित था 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार स्कैम की एक सीरीज इस देश की जनता के मानस पटल पर बहुत बड़े सवाल कर रही थी और उसी वक्त एक सवाल खड़ा होता था कि सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है नीतिगत बाबतों में सरकार को लकवा लग गया है और पूरे देश ने मानो एक साथ निर्णय किया कि देश की परिस्थिति को बदलना चाहिए इतने में ही 2014 में चुनाव आया और 2014 के चुनाव में इस देश की महान जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया महोदय 30 साल से इस देश में अस्थिरता चल रही 30 साल से इस देश की जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था और आजादी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर कांग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था ये सारी बातों को 2014 के चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से द्वारिका तक पूरे देश की जनता ने एक मैंडेट देकर ध्वस्त कर दिया पहली बार आजादी के बाद किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सभापति महोदय 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला किसी एक दल को एक मैंडेट मिला कि आई पॉलिसी के आधार पर इस देश को आगे ले जाइए आप इस देश के जनता के मन में जो सारे सवाल है इस देश की जो समस्याएं हैं इसका समाधान ढूंढे और ये मैंडेट अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट था मगर मैंडेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला था हम चुनाव में गठबंधन के साथ गए थे पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बावजूद हमने एनडीए को सरकार में सम्मिलित किया और हमारी भावना को उजागर करते हुए सारे एनडीए के साथी आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाए हैं महोदय जब ये सरकार की रचना हो रही थी उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है नेता का चुनाव वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था परंतु यहीं पर सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे चुने हुए सांसदों की बैठक हुई और उसमें नेता चयन की प्रक्रिया हुई मुझे गौरव है कि मैं भी वो प्रक्रिया का एक हिस्सा था सभापति महोदय जब श्री नरेंद्र मोदी जी को सदन का नेता चुना गया एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया उस वक्त नरेंद्र भाई ने एक ऐतिहासिक भाषण किया था उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी वो सरकार किसानों की सरकार होगी वो सरकार दलित पिछड़े और आदिवासियों की सरकार होगी वो सरकार युवा की सरकार होगी वो सरकार महिलाओं की सरकार होगी और ये सरकार गांधी और दीनदयाल के स्वप्न को पूर्ण करने वाली सरकार होगी और गांधी और दीनदयाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी और मुझे कहते हुए आनंद है सभापति महोदय 3.5 साल हो गए हैं 3.5 साल ये सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चली क्या है ये अंत्योदय अंत्योदय का सिद्धांत क्या है मैं अगर उसको सरल भाषा में रखना चाहूं इस सदन के सदस्यों के सामने आपके माध्यम से तो अंत्योदय का सिद्धांत है
विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है उसको विकास की पंक्ति में जो अग्रिम खड़ा है उसके बरोबर कर देना, सबको एक समान विकास की तक मिले, इस प्रकार से आगे बढ़ना। माननीय सभापति महोदय, 3.5 साल के बाद आज पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभापति महोदय, इस देश का संसदीय लोकतंत्र का इतिहास कोई अब इतना छोटा नहीं है। 70 साल हो गए हमारे संसदीय लोकतंत्र को। 70 साल में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। सरकारें जब 25, 30, 35 साल चलती है तब 2-3 ऐसे बड़े काम होते हैं कि जिसको इतिहास में दर्ज करना पड़ता है। ये सरकार 3.5 साल चली है, 50 से ज्यादा ऐसे काम है जिसको इस देश के इतिहास में स्थान मिले। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए, शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ, एक सातत्य के साथ, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कंटिन्यूटी के साथ विकास करने का तय किया। और सबसे पहला काम किया जनधन बैंक अकाउंट। सभापति महोदय, इस देश के 70 साल के आजादी के अंदर 55 साल एक ही पार्टी का राज रहा, एक ही पार्टी का राज रहा। और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा सभापति महोदय, तो एक ही परिवार का शासन रहा है। मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है, 70 साल की आजादी के बाद, 55 साल के कांग्रेस के शासन के बाद 60% लोग ऐसे थे जिनके घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। व्यक्ति छोड़ दीजिए साहब, पूरी फैमिली के अंदर, पूरे घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं। सरकारें किस तरह से चली होगी, सरकारों का विजन क्या होगा, सरकारों का दृष्टिकोण क्या होगा कि 70 साल की आजादी के बाद एक गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जनधन योजना की हम शुरुआत करेंगे और हर घर में मिनिमम एक बैंक अकाउंट पहुंचाएंगे, तब मेरा मन भी आशंकित था जो 60 साल में नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा। मगर आज देखिए साहब, 31 करोड़ बैंक अकाउंट इस देश में गरीबों के खुले गए हैं, हर परिवार में एक बैंक अकाउंट उपलब्ध है। शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं था। और हमारी मीमांसा की जाती थी, हम पर टीका टिप्पणियां की जाती थी, बैंक अकाउंट को दे दिया, पैसे कहां से आएंगे, अंदर गरीब क्या रखेगा। वैसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यवस्था की थी, मगर सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो जनधन अकाउंट खुले, 31 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, उसमें 73,000 करोड़ रुपया गरीब की गाड़ी कमाई का था। वो अपनी झोपड़ी में रखता था, अपने गल्ले में रखता था, कोई चोरी कर जाता था साहूकार के वहां वो लूट जाता था। आज वो पैसा सुरक्षित बैंक अकाउंटों में पड़ा है और वो अपने आप को इस देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ पाता है। सभापति महोदय, जब ये योजना शुरू हुई तब 2014 में 77% जीरो बैलेंस अकाउंट थे और आज उसकी संख्या घटते 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 20% से कम हो गई है। सभापति महोदय, सभी गरीब अपने बैंक अकाउंट का उपयोग करने लगे, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स चली, इसमें कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए कहना सभापति महोदय बहुत कठिन होता जा रहा था। कटु कहना, कटु बात सुनना, इसका स्वभाव ही हमारा धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई पड़ता था। सबसे इतिहास में जाकर देखे, पास्ट में जाकर देखे, भूतकाल में जाकर देखे तो सबसे अंतिम घटना है जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त कहा था कि इस देश के पास चावल नहीं है, शनिचर को सभी लोग उपवास करें और एक समय का खाना छोड़ दे। और शास्त्री जी की इस अपील को सोमवार को मेरा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, इसलिए सोमवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका सम्मान रखा था। शास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी हिम्मत इस देश के अभी के प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा जो संपन्न लोग हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, जिनको आर्थिक रूप से कोई प्रश्न नहीं है, वो लोग अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। ये गैस की सब्सिडी सरकार गरीबों को देना चाहती है, आदिवासियों को देना चाहती है, दलितों को देना चाहती है, ग्रामीण गरीबों को देना चाहती है। और मुझे कहते हुए हर्ष है सभापति महोदय,
कि 1,30,00,000 लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी को छोड़ा है। और उसके बाद क्या किया, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वित्तीय घाटा कम कर लेता, अपने तिजोरी में उसको जमा कर लेता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सब्सिडी जो बची और इसके अंदर खजाने का और पैसा लगाकर उज्ज्वला योजना लेकर आए। सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण गरीबों के पास गैस नहीं था, अपनी झोंपड़ी में गैस का चूल्हा नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील फैसला लिया कि 5 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का हम काम करेंगे। और उसमें से 3.5 साल हुए हैं, 3,30,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त कर दिया गया है। और इसी बजट में सरकार ये 5 करोड़ की जगह ये लक्ष्यांक को 8 करोड़ तक बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी है। सभापति महोदय, यहां हमारे सदन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में गैस का सिलेंडर विकास का पैमाना हो सकता है। मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ सभापति महोदय, मगर गरीबी को मैंने देखा है, डांग के जंगलों में जीते हुए आदिवासियों को देखा है, पूर्वांचल में गरीबों को देखा है। एक बूढ़ी माँ जब अपनी झोंपड़ी के अंदर कंडे और टहनियां जलाकर रसोई बनाती है, खाना पकाती है, और उसकी पूरी झोंपड़ी जब धुएं से भर जाती है सभापति महोदय, पूरी आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं वो माँ के फेफड़े के अंदर घुस जाता है और उसके स्वास्थ्य को सहन 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 हानि करता रहता है। सभापति महोदय, करोड़ों माओं को धुआं मुक्त घर देकर उनके बच्चों के लिए, उस घर के बूढ़ों के लिए और महिला के लिए, स्वयं के लिए एक स्वयं स्वच्छ घर का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री जी के इस फैसले ने किया है। और मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि ये जो 3,30,00,000 कनेक्शन दिए उसमें से 30% अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिला है, 30%, और 13% अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, ऐसा ही एक फैसला हुआ शौचालय का, स्वच्छता के अभियान के साथ इसको जोड़ा गया, मगर ये स्वच्छता के अलावे भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सभापति महोदय, घर में शौचालय न होना, आज दिल्ली लुटियन में रहने वाले लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं पड़ता। काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस तकलीफ का ज्ञान ही नहीं होगा, परंतु सभापति महोदय, एक घर गरीब घर की कल्पना करिए, एक 16 साल की बच्ची सुबह में कुदरती प्रक्रिया के लिए गांव के बीच में से गुजरकर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है, पूरे गांव की नजर उस पर गड़ती है, वो बच्ची अपनी आंखें झुका देती है। धीरे धीरे कर इसका आत्मविश्वास हरोज तिल तिल कर टूटता है। वो बच्ची को अभी तय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश के विकास में किस तरह से मैं अपना योगदान करूंगी, उसका आत्मविश्वास 16 साल की उम्र में ही टूट जाता है। वो देश के विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार आत्मविश्वास के साथ नहीं हो सकती। इसके दर्द को कोई सरकार इतने सालों तक नहीं समझी। किसी ने, बहुत सारे लोग योजना लेकर आए, मैं ऐसा नहीं कहता है पहली योजना है, मगर योजना का स्केल दिखे सभापति महोदय, 2022 में हर घर में शौचालय हम कर देंगे और 7 करोड़ शौचालयों को समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आंकड़े देखते हैं उनको ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ेगी, परंतु एक घर में शौचालय पहुंचने से स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी पहुंचता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्तुत्य कदम उठाया है। मैं यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश भर में संदेश जाए, उन्होंने शौचालय को एक नया नाम देने का काम किया है, उन्होंने शौचालय को इज्जत घर का नाम देने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने शौचालय योजना के माध्यम से किया है। सभापति महोदय, गरीब के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण, कहीं वृक्ष के नीचे प्लास्टिक की टार्पलिन पर सो जाना, कहीं ब्रिज के नीचे सो जाना, कहीं फुटपाथ पर या कहीं सर्दियों में बने हुए
अस्थाई आवासों में रहना ये उसका भाग्य बन गया था। हर व्यक्ति को घर देने का स्वप्न भी इस सरकार ने ही देखा है और द्रुत गति से इसकी समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विस्तारों में 1,35,00,000 आवास की योजना को मंजूर कर दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में 70,00,000 आवासों की बनाने का काम शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, बेरोजगारी इस सदन की चार दीवारों ने शब्द प्रयोग बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़े बड़े अभ्यस्त भाषण भी देखे होंगे बेरोजगारी पर, सुने भी होंगे आप। अब पूरा सुन लो भैया, बहुत आंकड़ों के भाषण भी सुने होंगे, बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्रियों को भी सुना होगा, मगर इसकी ये समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। मैं अभी सुन रहा था इस सदन के सदस्य आनंद शर्मा जी और बाकी सदस्य जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाया और वाजिब है, समस्या है देश में बेरोजगारी की, मैं इनकार नहीं करता, मैं मानता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या है, मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर ये समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधान किसने नहीं ढूंढा। हम तो 6 साल 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं, ये देश का चलाने का सौभाग्य हमें 8 साल के लिए मिला है, इतनी विकराल समस्या कोई 8 साल में नहीं हुई है। 55 साल जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया वो आज समस्या उठा रही है, इसका मुझे आनंद है, मगर हमने इसका समाधान ढूंढा। सभापति महोदय, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाओं को स्किल तज्ञ बनाना, स्टार्टअप, स्टैंडअप और अंत में मुद्रा बैंक। मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेष इस सभागृह का ध्यान दिलाना आकृष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय, इसलिए क्योंकि इंदिरा जी का जमाना था, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, इस देश की बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और उस वक्त क्या उनका भाषण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए हैं, मगर इतने सालों तक बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए नहीं खुले, ना उसके पास अकाउंट था ना लोन मिलती थी, लोन लेने जाते ही उसके पास से इनकम टैक्स नंबर मांगा गया था। अरे भैया, उसका सवाल ही वो है कि इसके पास इनकम नहीं है, इनकम टैक्स नंबर कहां से लाए, उसके पास इनकम नहीं है वो तो उसका प्रश्न है। और ये बेरोजगार युवा दिशाविहीन होकर भटकते थे, आज मुद्रा बैंक के कारण 10.5 करोड़ युवाओं को से लेकर 10,00,000 तक का लोन देने का काम समाप्त कर दिया गया है, लगभग 4.5 लाख करोड़ लोन दिया गया है। सभापति महोदय, इसमें ना गारंटी देनी है ना गारंटर लाना है, सूद भी कम रखा है। अभी अभी मैं पढ़ रहा था चिदंबरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत पकोड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकोड़ा लगा, अपने श्रम परिश्रम से पसीना बहार कर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे, किस प्रकार की ये मानसिकता है। सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म की। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी, कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस सदन में बैठा है, इनको मालूम नहीं है पकोड़ा बनाने वाले का उतना ही महत्व है।